हम लोगों की रहती है, कह देंगे भाई आप लोगों के बीच। हमने डी राजा साहब से भी कहा कि देखिए आप जनरल सेक्रेटरी बन गए, अच्छा लगता है, लेकिन ये आप लोग आप हिंदी में कहे नहीं बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलिएगा तो जो जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब तो भारतीय नहीं होइएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग 12 साल डी राजा साहब और हम लोग एक साथ रहे हैं पार्लियामेंट में। स्टूडेंट लाइफ में मैं भी AISF से जुड़ा हुआ था और ये हम लोगों के नेता होते थे और हम लोग कलीग के रूप में जब पार्लियामेंट में, हालांकि अलग अलग पार्टियों से, लेकिन बहुत ही अच्छा हम लोगों का तालमेल रहा, इसलिए कि वेवलेंथ एक ही तरह का था। जो कमज़ोर तबका है, गरीब गुरबा हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके सवालों में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि इन्होंने रेज किया तो हम नहीं इनके सपोर्ट में खड़े हो गए, या हमने नहीं हमने किया तो ये भी उसी तरह से सपोर्ट में खड़ा हो जाते थे। हमको अच्छा लगता था कि जब लोग सड़क पर होते थे, जंतर मंतर पर, या किसी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट संघर्ष कर रहे होते थे, महिलाएं संघर्ष कर रही थी होती थी, या घरों में काम करने वाली औरतें, या खेत मजदूरों का कोई रैली प्रदर्शन, किसानों का, टीचर्स का, जो भी आंदोलन होते थे, संघर्ष होते थे, तो जो आयोजक होते थे उसके वो इनवाइट करते थे और जब हम लोग पहुंचते थे तो कई लोगों को हमने कहते सुना कि भाई हम लोगों को आप आ गए ना, हम लोगों को भरोसा था कि कम से कम दो लोग तो जरूर आएंगे, डी राजा साहब और मैं, मेरे बारे में कहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले पहुंचा तो मैं बहुत चिंतित था और मैं भाषण भी करने लगा, उठ करके जब पुकारा गया नाम तो देखा कि ये आ रहे हैं। कहा कि पहले तो हमको लगा कि आज हम अकेले ही हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि हम लोग माने चले जाते थे तो सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग एक तरह से सोचते थे और एक तरह से एक्ट करते थे और साथ ही आए और साथ ही विदा भी हो गए। थोड़ा सा पहले ये तो बाइज्जत वहाँ से निकले, लेकिन हम तो गर्दनिया पासपोर्ट देख करके निकाले गए, यही थोड़ा फर्क था। एक चीज़ देखिए, ये इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, ठीक भाषा जी ने कहा कि चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, हम लोग देखेंगे या पत्रकार देखेंगे, क्या लगता है कितने अच्छे दोस्त हैं, वैचारिक रूप से एक दो पोल हैं, लेकिन अब बढ़िया से बात कर रहे हैं। जेटली साहब उसी तरह से बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने खौफ खाते हैं उनसे, अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं उनसे लोग बात करने में बहुत लोग, उनकी पार्टी के लोग भी खौफ खाते हैं। तो जितनी सहजता से ये मनमोहन सिंह से बात करते देख रहते थे कॉरिडोर में, उतनी सहजता से हम लोगों ने देखा कि मोदी जी को भी पकड़ करके गुटुरू कुछ कर रहे हैं। तो ये एक तो जो ये सहजता है, ठीक कहा बासा जी ने, तो वो बिल्कुल एक जो जनता में वो है ही, लेकिन एक जो परफेक्ट पार्लियामेंटेरियन को जो होना चाहिए, हम लोग को लगता था, बहुत हम लोग इंट्रोवर्ट किस्म के आदमी हैं, खास करके मैं,
तो मैं तो बहुत दिन तक सीताराम येचुरी साहब चले गए कहीं हैं, तो मैं डर से इनको इतना विद्वान आदमी समझता था और हम लोग साथ में आ गए कि बहुत दिन तक डर से उनसे बात मैं नहीं कर सका। शुरू से इनका मैंने JNU वालों से तो ऐसे भी थोड़ा लगता है, तो हाँ तो लेकिन देखिए बड़ी अजीब बात थी। अब डी राजा साहब पार्लियामेंट के कॉरिडोर में गोल गोल आप लोग भी गए होंगे देखे होंगे जा रहे हैं डी राजा साहब सब लोग, और हम लोगों को कभी कभी ईर्ष्या होती थी। हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट में एक्टर एक्ट्रेस भी माने बहुत आते हैं ना, और बड़े उद्योगपति भी आते हैं, विजय माल्या भी आते हैं, तो कोई शोभना भारतीय भी आती हैं, तो कोई हेमा मालिनी जी भी होती हैं, रेखा जी भी होती हैं, और तमाम लोग आती हैं। तो जो देखा हीरोइन देखते हाय राजा। हम कभी कभी हम लोग को ईर्ष्या होती थी। तो ये इनका स्वभाव है, और उसी तरह से उद्योगपति बजाज से बात कर रहे हैं, उसी तरह से देखिए कि वो कौन भाग गया, विजय माल्या, हाँ, और सब लोग अरुण जेटली को कामरेड, जो कामरेड नहीं भी है वो कामरेड कह रहा है। तो ये ऐसा पार्लियामेंटेरियन को होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब डैश पर खड़े होते थे, इनका नंबर आता था, तो जरा भी कोताही नहीं करते थे उनके परखचे उधेड़ने में। तो लेकिन हाँ, वही है कि इनकी जबान इतनी मीठी है, अंग्रेजी में बोलते थे, और जबान इतनी मीठी है, तो ठीक ही है कि भाई कुदरत को भी तल्ख नहीं बोलना चाहिए। हम लोग कभी कभी तल्ख हो जाते हैं, कड़वे बात बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए, सीखा हम लोग ने इनसे। तो वही कि भाई कुदरत को भी नहीं पसंद है तल्ख सख्ती जबान में, इसीलिए तो नहीं बनाया हड्डी जबान में। तो सबको हम लोगों ने सीखा कि इनके जैसा गंभीर से गंभीर बात, कटु से कटु बात भी कायदे से कैसे कही जा सकती है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगता था कि ये मैंने इस तरह की चीज़ों को बात करते थे। एक बात और मैं कहूँगा कि देखिए CPI के जनरल सेक्रेटरी तो ये बाद में बने हैं, और पहले शायद दलित हैं, लेकिन देखिए भारत तो आप जानते हैं सगुण उपासना का देश है, व्यक्ति से लोग जानते हैं, निर्गुण में कोई जल्दी समझता नहीं है। तो कोई बात होती है तो कम्युनिस्ट पार्टियां तो कई हैं, CPI है, CPIM है, माले है, और भी कई कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आइए सर आइए। तो लोग पूछते हैं कि कौन कम्युनिस्ट पार्टी, डी राजा वाली, तो ये न सिर्फ जनरल सेक्रेटरी तो अभी बने हैं, लेकिन ये CPI के पहचान पहले बन गए थे। उसी तरह से लोग पूछते हैं कि कौन कम्युनिस्ट पार्टी भाई, सीताराम येचुरी वाली, तो ये सगुण उपासना का देश है, लोग व्यक्ति से संगठन को पहचानते हैं। अब क्या कीजिएगा, ये देश है, इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो बहरहाल पार्लियामेंट में ये इत्तेफाक की बात है, सब लोग हम लोग एक तरह से हम लोगों का मन रोया था। हम तो इनसे पहले, लेकिन सीताराम येचुरी साहब जब विदा हो रहे थे तो सर सब लोगों ने लोहा माना इनकी विद्वता का, और इन्होंने जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जो कंट्रीब्यूट किया उसको सब लोगों ने उसको माना, सराहा, और कोई यूं ही नहीं कि विदाई हो रही है तो कुछ यूं कह दें। तो इसीलिए ये लोग जहां रहेंगे
चिराग हैं। चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहां रहेंगे वही रोशनी फैलाएंगे। जनरल सेक्रेटरी रहे न रहे, येचुरी साहब पार्लियामेंट में रहे न रहे, लेकिन जो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो है। एक शिकायत तो यही नहीं, हमारी एक और भी शिकायत है कि भाई ये लोग देखते हैं कि भाई कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारा अधिकार भी है, सब लोग साथी भी, हम कलीग भी हैं, कि भाई अंग्रेजी में आप लोग सोचते हैं और उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं। हम कहते हैं कि थोड़ा हिंदी में भी सोचिए और उसका तर्जुमा अंग्रेजी में करके बांटिए, तब जाकर के हिंदुस्तान की मिट्टी से, यहाँ की धरती से आप कायदे से जुड़ेंगे। और इन्हीं चंद बातों के, एक बार हमने मायावती जी को कहा, ठीक उनके पीछे हमारी सीट थी, तो माया बहन मायावती जी वो पढ़ती हैं भाषण। हमने एक दिन वो जोश में आकर के, कोई मसला था जिस पर ऐसे ही बिना पढ़े भाषण दिया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि बहन जी, अरे आप तो ऐसे ही बढ़िया भाषण देती हैं, क्यों लिख करके पढ़ती हैं? तो मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। तो डी राजा साहब, येचुरी साहब तो बढ़िया हिंदी बोलते हैं, डी राजा साहब आप देख जान लीजिए, बिहार उत्तर प्रदेश में टूटी फूटी भी, अरे लालू जी के स्टाइल में अंग्रेजी जैसे लालू जी बोलते हैं वैसे बोलिए ना, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग इंजॉय करते हैं। आप टूटी फूटी भाषा में भी हमारे बिहार में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए, तो हिंदी में बोलिए। हाँ, थोड़ा 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 भोजपुरी चलिए, तो भोजपुरी भी हम लोग सिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। When the mainstream media has abandoned our issues, we cannot afford to abandon our concerns. Kindly like, share and subscribe our YouTube channel. Your support is our sole strength.